चुप। एकदम चुप। जरा भी चलाके की ना तो गेम का लास। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप ये बताओ कि अपने पति से कितना प्यार करती हो। जवाब दो। चुप क्यों हो गई? तुमने ही बोला ना चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, तो कैसे बोलूंगी? डायलॉग गलत मार दिया ना। अक्षय, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। चल। हाँ, मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मुझे याद है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं घर आऊंगा और फिर हम सब बाहर डिनर पे चलेंगे। वो क्या हुआ ना कि एकदम से बहुत सारा काम आ गया, फिर उसको पूरा करने में सारा टाइम लग गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। मेरी प्रिंसेस कहाँ है? सो गई क्या? हाँ वो सो गई। प्लीज मेरी बात। दवाई खाई उसने? अक्षय, प्रिंसेस ने दवाई भी खा ली, मैंने उसे लोरी भी सुना दी, उसने कहानी भी सुन ली। प्लीज मेरी बात सुन लो। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ पापा, मैंने माफ कर दिया। प्लीज अक्षय मेरी बात सुन लो। थैंक यू स्वीट हार्ट। अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। वो एक्चुअली अब समझा। दरअसल तुम मुझसे नहीं, वीनू से नाराज हो, और तू क्या शेरवानी पहन के घूम रहा है? किसी की शादी से आ रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, तुम दोनों भाई बहन इतने शांत क्यों हो? अक्षय बेटा तू आ गया, तुझसे कुछ बात करनी थी। ये कौन सी ऐसी बात है कि पूरी फैमिली यहां आ गई है? सब ठीक तो है ना? एनीथिंग सीरियस? अक्षय मैं बताती हूँ। अक्षय प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं काजल? मुझे तूने सोच भी कैसे लिया कि तू रौनक की बहन से प्यार करेगा और मैं चुपचाप पान जाऊंगा? जी जो मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि वो रौनक की बहन है। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू नो मैंने तेरी हर जिद पूरी की है, तुझे हर चीज में सपोर्ट किया है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। 5 साल पहले मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं उस घर की चौखट पे कदम नहीं रखूंगा और ना ही उस घर वालों से कोई कांटेक्ट रखूंगा। मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश हूं, नहीं चाहिए मुझे और कुछ भी। थैंक्स काजल, तुमने शादी रोक के हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर विनय ने एक कदम उठाया होता तो मैं शायद उसे कभी माफ नहीं कर पाता। ठीक उसी तरह जिस तरह रौनक सर ने आज तक तुम्हें माफ नहीं किया। अक्षय, पिछले 5 सालों से एक ही बात सुनती आ रही हूं कि तुमने उस घर से रिश्ता तोड़ दिया। किस बात की इतनी नाराजगी कि सालों की दोस्ती एक पल में टूट गई? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी चुभती है, रौनक सर को भी उतनी चुभती है? चुप क्यों? जवाब दो मुझे, बताओ मुझे ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जो हालत तुम्हारी है ना, वही रौनक सर की भी है। भी इतने दुखी है, परेशान है, हमसे नफरत करते हैं जितना तुम उनसे करते हो। अक्षय,
बात है कि तुम मुझसे या अपने परिवार से शेयर नहीं कर सकते? बोलो मुझे। गजल, 5 साल पहले मैंने तुमसे कसम ली थी कि तुम मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करो। तो मैंने भी उस कसम को निभाया है। आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, पर उस सवाल के साथ हर रोज तुम्हें तड़पता देखा है मैंने। इसलिए आज जानना चाहती हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था। क्या मुझे इतना भी हक नहीं? बताओ ना अक्षय, तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि अपने दिल का सबसे गहरा दर्द मुझसे बांट सको? वो देख, तेरी खूबसूरत खबर। माँ को पता चलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। काजल हर तरह से परफेक्ट है। जितना प्यार माँ ने मुझे दिया है, आई एम श्योर काजल भी मेरी लाइफ में उतनी खुशियां लेकर आएगी। अरे रौनक ने अपने दिल की बात तो लिख ली और अपना नाम लिखना भूल गया। अब बेचारी काजल को कैसे पता चलेगा कि ये खत किसने लिखा है? अब इस चिट्ठी पर तुम्हारा नाम होगा। जल्दी ले लो और अपना नाम लिख लो। चुपचाप शादी कर लो अक्षय, वरना संगठन वालों ने तुम्हारे दोस्ती का जो वीडियो बनाया है काट चाट कर इंटरनेट पे डाल दिया तो पूरे मध्य प्रदेश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम और तुम्हारी दोस्त। तुम जैसे इंसान की तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहता। प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, शायद तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए। मम्मा पापा, मुझे पापा चाहिए। मेरी प्रिंसेस की आंख खुल गई। ये नहीं करोगे? पापा है ना आपके पास? हाँ। ऐसा हुआ क्या था? किस बात की इतनी नाराजगी? कि सालों की दोस्ती एक पल में टूट गई? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी चुभती है, रौनक सर को भी उतनी चुभती है? आज जानना चाहती हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था। बताओ लक्ष्य, तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि अपने दिल का सबसे गहरा दर्द मुझसे बांट सको? कैसे समझाऊं काजल को कि 5 साल पुराना राज हमारे परिवार को तोड़ सकता है? क्यों फोन किया है आपने? इतने सालों बाद अपने आंटी से बात कर रहे हो। कोई नमस्ते नहीं, हेलो नहीं, हालचाल नहीं पूछा तुमने, बस सीधे सवाल कर दिया। वैसे हमें अच्छा लगा ये जानकर कि अब तक तुमने अपने शादी का सच अपने पत्नी से बखूबी छुपा के रखा है। वैसे इसकी दाद हमें ही देनी पड़ेगी। झूठ बोलने की कला भी तो हम नहीं सिखाई है ना तुम्हें? क्यों, मैंने तो तुम्हें 5 साल पहले धोखा देने को कहा था अक्षय,
पर तुम तो कुछ ज्यादा ही वफादार निकले। सीधा सीधा बोलिए, आपने क्यों फोन किया है? आज जो भी हुआ है उसकी खबर तो तुम तक पहुंची गई होगी। हाँ, जानता हूँ। पर ये नहीं जानते कि रौनक तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा है। रौनक तुमसे मिलने आ रहा है अभी इसी वक्त, और वो बहुत गुस्से में है। इतने गुस्से में कि मैं भी उसे रोक नहीं पाई। मुझे पता है अक्षय कि रौनक विनय से बदला लेने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बातें बढ़ेंगी, सवाल जवाब होंगे, पुराने पन्ने भी खुल सकते हैं। शायद तुम खुद ऐसा मौका हाथ से न जाने दो और उसे सब सच बता दो। ऐसा ही कुछ करने का सोच रहे हो ना तुम, पर इसका कोई फायदा नहीं है अक्षय, क्योंकि आज की तारीख में वो तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। जितना प्यार रौनक अपनी माँ से करता है उतनी ही नफरत वो तुमसे करता है। पर हाँ, तुम्हारे परिवार को, काजल को सब सच पता चल जाएगा, तुम्हारी बेटी को भी, कि उसके प्यारे पापा ने कितना बड़ा धोखा दिया है उसकी मां को। सोचो अक्षय, उस मासूम पर क्या बीतेगी और क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उसकी नजरों में। जानकी तो अपनी दुश्मनी भी उतनी ही ईमानदारी से निभाती है जितनी दोस्ती। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अक्षय, तुम्हारी नौकरी, काजल की मिठाई की दुकान, तुम्हारा हंसता खेलता परिवार, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोर सी बेटी साक्षी। बहुत जल्दी डिलीवरी हो गई थी ना बेटा, बेचारी कमजोर रहती है, यही है ना तुम्हारी कहानी। अब तुम खुद ही तय कर लो अक्षय, जब तुम्हारे इस छोटी सी दुनिया में तुम्हारे इस बड़े धोखे की खबर पहुंचेगी तो क्या होगा। जब काजल ये जानेगी कि वो चिट्ठी तुमने नहीं रौनक ने लिखी थी तो क्या हो। तुम तो कभी उससे शादी करना ही नहीं चाहते थे, ये सिर्फ एक धोखा था। जब ये सच काजल जानेगी तो सोचो काजल पे क्या बीतेगी, कैसे लगेगा उसे। और तुम्हारी बेटी, तुम्हारी प्यारी सी कमजोर सी साक्षी, तुम्हारी प्यार की साक्षी नहीं, तुम्हारे धोखे की साक्षी बनेगी। तो आज रौनक से चाहे जो भी कहो, उसे इतना मत भड़काना कि वो सबके सामने सच बोल दे, क्योंकि सच खुलने का अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरा तो कोई नुकसान तुम कर नहीं पाओगे बेटा, पर अपनी गृहस्थी में आग लगा दोगे, इसीलिए फोन किया था। माँ ना सही, माँ जैसी तो हूँ, फिक्र रहती है तुम्हारी। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना भी और मेरी बातों का भी। आंटी के कमरे के बाहर कहाँ लगा के क्या सुन रहे हो? चुप कर, मर पाएगी क्या? मैं ये सुन रही थी कि जानकी अक्षय से फोन पे क्या बात कर रही है। मॉम प्लीज आप मेरी बात सुनो, मैं ना थक गई उस ड्रेस से, आई कांट कैरी दिस एनीमोर। एक काम करते, घर चलते। मॉम खौफ हो गया क्या तेरा?
मुझसे ज्यादा तो तुझे यहाँ पर रहना चाहिए। अब रौनक पता नहीं कितनी मार पिटाई करके घर आएगा। मराम पट्टी की तो जरूरत पड़ेगी ना। और एक बात ना, कान खोल के सुन ले, तुझे ऐसे मौके मिस नहीं करने चाहिए, समझी? ठीक, मैं फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हूँ। पर मॉम, मैं इस ड्रेस में तो कुछ नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, सेक्सी सा नाइट गाउन पहन लेती हूँ, और वो भी रौनक के फेवरेट कलर का, गुड आइडिया ना? हे भगवान, अब चल यहाँ से। तुम्हारी प्यारी सी कमजोर सी साक्षी, तुम्हारी प्यार की साक्षी ने तुम्हारे धोखे की साक्षी बनेगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।